दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम मेडिकोज दौलतपुर चौक ऊना। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए ओलंपिक संघ द्वारा 10 साल के मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में प्रदेश से ओलंपिक खेलों के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकाले जा सकें। ये बात आज जिला मुख्यालय के इंदिरा स्टेडियम में चल रही सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के समापन पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता की विजेता रही बालक और बालिकाओं के वर्ग में महाराष्ट्र की टीमों को पुरस्कारों से नवाजा। बालकों के वर्ग में कर्नाटक जबकि बालिकाओं के वर्ग में पंजाब की टीम दूसरे स्थान पर रही। आज ये बहुत ही आवश्यक है। हालांकि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश के अंदर आई, हमने खेल का ढांचा विकसित करने का जो है वो एक शुरुआत की है। जब धूमल जी यहाँ पर थे तो यहाँ इंडोर स्टेडियम बना, और अब जब यहाँ पर अपना अपना हॉकी का बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहाँ पर बना, और इस पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमने ग्रामीण विकास विभाग और खेल विभाग ने मिलकर के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कन्वर्जेंस मॉडल में खेल का मैदान दे रहे हैं, और हम आने वाले समय में भी खेल विभाग के साथ कन्वर्जेंस में, जिसमें हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ऐसे इंडोर स्टेडियम भी जहाँ जहाँ आवश्यक होंगे हर विधानसभा क्षेत्र या हम कहें ब्लॉक स्तर के ऊपर एक एक जो है वो बनाएंगे, ताकि मूलभूत सुविधाएं जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो हम दे पाएँ। और इसके अलावा भी हम मेरे पास जो है वो ओलंपिक की भी जिम्मेवारी है, ओलंपिक संघ की, तो हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश स्तर के ऊपर ही नहीं, हमारे अपनी लोकसभा से और अपने क्षेत्र से जो हमारे सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, हम उनसे मिल बैठ करके हम चाहते हैं कि हम सभी संघ खेलों में तो काम करें ही, लेकिन कुछ जिनका रुझान प्रदेश स्तर के ऊपर खिलाड़ियों को ज़्यादा है, ऐसे 3-4 खेल जो है वो हम उनको चुनेंगे और अपनी एक ओलंपिक की जो है वो हम तैयारी करेंगे, ताकि ये ओलंपिक नहीं लेकिन अगले ओलंपिक्स तक हम एक 10 साल का एक मास्टर प्लान तैयार करके चलेंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है वो हम यहाँ से दे सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से जितेंद्र कंवर के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदे दवाइयां। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयां लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।